और जैसा कि हम आपको बता दें, सासाराम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी का एक और इंटरव्यू लेने के लिए आ गए हम, जिनका नाम है विद्याभूषण राय, जो क्षेत्र छात्र नेता रह चुके हैं दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, जिनका छाप है ब्रश छाप। तो सबसे पहले मुखिया जी का हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। तो सर आप बताइए, हमारा लाइव न्यूज है, यूट्यूब पे चलता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत सासाराम पंचायत वासियों को के तरफ से, और जितने भी हमारे यहाँ के दर्शक हैं लाइव देख रहे हैं लाइव इस यूट्यूब के माध्यम से, सभी को प्रणाम। और सर्वप्रथम आस्था का महापर्व जो छठ है, छठ पूजा की सभी व्रतियों को, सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। और छात्र नेता के बाद सर आप युवा नेता के रूप में मुखिया प्रत्याशी जो बन रहे हैं, तो आपका क्या संकल्प रहेगा जो आप अपने पंचायत में काम करने के लिए करेंगे? देखिए, हमने पिछले 6 सालों में समाज के हर एक तबके के लोगों के लिए अनेकों प्रकार से उनकी आवाज़ बनने का काम किया है, उनकी आवाज़ को दरभंगा से लेकर दिल्ली पटना में उठाने का काम किया है, जिसमें कि पलायन, गरीबी, भूखमरी, और छात्र नेता के हैसियत से हमने जो डिग्री होता है, जो यूनिवर्सिटी में जो डिग्री मिलता है छात्रों को, वो डिग्री हमने 5 साल की डिग्री को 3 साल में करवाने का काम किया था, जब हम छात्र राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन उसके बाद जब हम गांव के हालातों को देखे हैं, क्योंकि एक भारत का कल्पना महात्मा गांधी कहते हैं, जो एक भारत का कल्पना तभी हो सकता है जबकि गांव समृद्ध होगा। Yes. तो हम गांव की समृद्धि के लिए, गांव की बदहाली को दूर करने के लिए, गांव में जो अनियमितता है, वहां जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों योजनाएं आती है जो कि रास्ते में रह जाता है, बिचौलिया उसे खा जाते हैं, दलाली जो दलाल है उनका उस पर कब्जा हो जाता है, उनसे मुक्ति के लिए हमने सोचा कि एक बार पंचायत जो है, जो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, एक समृद्ध गांव, खुशहाल गांव की कल्पना को साकार करने के लिए हमने पंचायत राजनीति में अपने भाग्य को अजमाने का फैसला किया है। मेरा भी ये मानना है सर कि छात्र नेता रहे ठीक है, बट युवक को राजनीति में आना चाहिए। देश का सुधार जब होगा, जब गांव का सुधार होगा। तो इसी के सोच में आप पहले मुखिया प्रत्याशी बन रहे हैं, तो आप अपने विपक्ष को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, यहाँ कोई विपक्ष और पक्ष की बात नहीं, यहाँ जनता चाहती है जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बने वो हमारा काम करे, और इसी काम के लिए जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनती है, अपना अधिकार देती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है मतदान, और मत इसीलिए देती है, ना कि आप राजशाही करें, ना कि आप तानाशाही करें, ना कि आप भ्रष्टाचारी करें, ना कि आप ये जो पंचायत है उसके भविष्य को गर्त में डालने का काम करें। जनता अगर अपने मत का प्रयोग करती है तो वो विकास के लिए करती है, जो उन्हें विकसित गांव मिले, विकसित टोला मिले, विकसित कस्बा मिले। जाहिर सी बात है कि शिक्षित अगर उम्मीदवार जीत के आते हैं तो शिक्षा का स्तर काफी ऊपर ले जा सकते हैं, जिस हिसाब से भी हो। एक बात हम चर्चा करना चाहते हैं, जब हम अपने सरकारी कुछ पहले, 1 साल पहले और 6 महीना पहले जब हम घूमते थे, तो अपने गांव के विद्यालय में जाते थे, वहां देखते थे ना ही विषयवार पढ़ाई होती है, ना ही घंटेवार पढ़ाई होती है, ना ही वहाँ शिक्षक समय पर उपस्थित होते हैं। ये सब बहुत बड़ी समस्या है, और मध्यम वर्गीय और गरीब के लोग जो हैं वो अभी भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं। तो हमें जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा, जो सरकारी जो विद्यालय है वहाँ पठन पाठन अच्छे तरीके से होना चाहिए। एक और बात आपको बता दे कि हर एक 3 महीने पर मुखिया और सरपंच चाहे तो अपने सरकारी स्कूल में मीटिंग कर सकता है। आज तक तो ये पंचायत में होती नहीं है, अगर आज जीतते हैं तो ये मीटिंग करेंगे या नहीं? गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग जिसे हम बोलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग मंथली होना चाहिए, महीने में एक बार होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए जो हमारे छात्र जो पढ़े हैं महीने भर, उनकी गुणवत्ता क्या हुई। हाँ, कुछ चैप्टर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए गार्जियनों की मीटिंग होती है, हर एक संकुल, हर एक विद्यालय का एक अध्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ ये सब सुन्न बट्टे सुन्न है, और यहाँ इससे जनप्रतिनिधियों को विगत जो जनप्रतिनिधि है उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए मजबूरन हम लोगों को छात्र राजनीति से हटकर पंचायत की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने की नौबत आई है। और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि पहली बार मुखिया, जिला परिषद और वार्ड पार्षद का ईवीएम के द्वारा चुनाव किया जा रहा है, तो आपको इस पे क्या कहना है?
तो ये बहुत ही जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हो रहा है देश में, ये बहुत ही अच्छा संकेत है और लोग अपने मताधिकारी का प्रयोग अच्छे तरीके से डिजिटल तरीके से करेंगे, इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। और हम ABM लेकर घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को यह करेंगे जो विकसित योग्य उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें, इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आप अपना पूरा नाम और उसके बाद आपका कौन से क्रमांक पे ईवीएम पे आपका चुनाव चिन्ह आएगा वो थोड़ा जनता को बता दें। जी, हमारा नाम विद्याभूषण राय है। पिछले 6 सालों से एक संगठन के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में है और इस बार हमारा सासाराम पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवारी है और हमारा क्रमांक संख्या 7 है और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो पंचायत के लोगों का चुनाव चिन्ह है, हर एक गरीब गुरबा का चुनाव चिन्ह है, मजदूर का चुनाव चिन्ह है, हर एक समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का चुनाव चिन्ह है। वो चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप, ब्रश से इस बार भ्रष्टाचारियों को साफ करना है, जो पंचायत जो 40 सालों से। तो आपका नारा है कि ब्रश से गंदगी साफ कर देना। बिल्कुल, हर एक प्रकार की जो गंदगी है, जो समाज को कलंकित करने का काम किया है, पंचायत को कलंकित करने का काम किया है, अनेक प्रकार की कुरीतियों को जिन्होंने जन्म दिया है उसे साफ करना है इस बार ब्रश से। तो अगर आप जीत गए, ऐसे तो आप उम्मीद दे रहे हैं कि जनता को कि हम काम करेंगे 100%, तो आप पहला 2-3 काम बताइए जो आप करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है जो यहाँ जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाना चाहिए और हमारा पहला यही काम होगा। जो हमारा जो पंचायत भवन है आज वहाँ गोबर लगा हुआ है, इतना का पानी है उस जिस पंचायत भवन पर, जहाँ ताला भी शायद 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही खुलता है, उसे नियमित वहाँ कर्मचारी बहाल हो और किसी भी पंचायतवासी को वहाँ बिरौल नहीं जाना पड़े, उनका काम यहाँ होना चाहिए। यहाँ अधिकारी बैठे, वहाँ यहाँ जो रोजगार सेवक बैठे, यहाँ आवास सहायक बैठे, यहाँ शौचालय के जो पदाधिकारी है और यहाँ जितनी भी योजनाएं हैं RTPS के काउंटर के माध्यम से जितने भी लोगों के 7 निश्चय योजना का लाभ हो, जनरल या जितनी भी समस्याएं हैं लोगों के, उनका लाभ उनको पंचायत भवन के स्तर से मिले, ना कि उन्हें बिरौल दौड़ना पड़े, ना ही उन्हें मुखिया के दरवाजा दौड़ना पड़े। युवा नेता के कारण आपका युवा में कितना परचम बना हुआ है आपका? देखिए, युवा सोच होता है और युवा सोच को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हमने धनबल के सहारे नहीं बल्कि अपने सोच के सहारे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने अपने सोच को जन जन तक रखने का काम किया है। हम जो काम भी करते हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, कोई शोर शराबा नहीं। अपने विचार को जितने लोगों के बीच रखेंगे उतने हमारे समर्थक बनते हैं और दिल में जगह जरूर बनती है। नैतिक तौर पर बहुत लोग समर्थन दे रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो समाज का ज्यादा प्रतिशत आपकी तरफ रुझान है आपका कहना? अभी वोट प्रतिशत जो भी हो या वोट कहाँ गिरे ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन नैतिक समर्थन जिस प्रकार से हमको मिल रहा है, जो 8 उम्मीदवार है हमारे पंचायत में, सबों ने ये सराहा है, जो जितने भी 8 उम्मीदवार है सबसे योग्य सबसे अच्छे उम्मीदवार आप है और इस प्रकार का नैतिक समर्थन हमें मिल रहा है। जनता एक बात को याद रख ले कि अगर आप शिक्षित उम्मीदवार को चुनते हैं तो शिक्षित तरीके से आपसे बात किया जाएगा, जैसा भाई साहब का सुन रहे हैं आप। काम करने की कितना उम्मीद देंगे आप जनता को? हम पिछले 6 सालों से जब हमारे दिमाग में ये पंचायती राज चुनाव नहीं था, तब भी हम जनता के लिए ही काम करते हैं। किसी को अगर हॉस्पिटल में हमारी जरूरत पड़ती थी, किसी को कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती थी, हम निष्पक्ष भाव से निस्वार्थ भाव से उनका काम करते थे। अब जब हमें जिम्मेदारी दी जाएगी या जीत हार जो भी हो, फिर भी हम जिस तरह पिछले 6 सालों से हम सक्रिय थे सामाजिक हित में, समाज के कार्यों में, उसी प्रकार हम सक्रिय होकर जनता का दिल जीतने का काम करेंगे, जनता के हर एक अधिकार के प्रति सजग होने का काम करेंगे और हर एक हक दिलाने के लिए हम सब तत्पर तैयार रहेंगे। पंचायत में छोटी बड़ी सब जाति आती है, तो सबके लिए समान काम करेंगे या आप मुंह देखी करेंगे? ये कोई प्रश्न नहीं होता है। जब हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वहाँ जात पात धर्म भेदभाव ये इस प्रकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती और हम कल्पना भी नहीं करते हैं, इस पर हम बोलना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की चीज है ही नहीं। चुनावी समीकरण किस प्रकार चला रहे हैं? चुनावी समीकरण हमने कहा ना, हमने जितने भी वोटर हैं वहाँ डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हम हर एक वोटर तक पहुँच रहे हैं, वोटर तक जा, हर एक चूल्हा जा रहे हैं, हर एक गरीब गुरबा, हर एक अम्मा दाई माई सभी के पास जाकर अपने विचार को रख रहे हैं। जो जिस प्रकार से पिछले 20 सालों से या जितने दिनों से
पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुआ है, उतने दिनों में जितने भी मुखिया प्रत्याशी स्थापित हुए हैं, यहाँ जीत के आए हैं, उन्होंने केवल और केवल लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा देने का काम किया है, विकास की सोच उनके दिमाग में तनिक भी नहीं है और ना ही हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पर पिछले 20 सालों से अथार में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो बंद है, बंद है, लेकिन हमने प्रयास किया है, हमने अखबार के माध्यम से हर एक और केंद्रीय मंत्री जो राज्य मंत्री जब अश्विनी चौबे थे उनसे मिलकर हमने ज्ञापन दिया है इन अस्पताल के लिए, और सवर्णा सिंह जो हमारी विधायिका हैं उन्हें भी इनको लेकर पत्र लिखा है, हमारे सांसद को भी पत्र लिखा है, और हमारे पीएससी जो प्रभारी हैं बिरोल उनको भी पत्र लिखा है। तो लगता है जो एक सकारात्मक पहल होगा और अथार में एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो जल्द ही सुचारू रूप से जनता के बीच होगा। अगर आप जीत के आ गए तो जो जनता को सरकार द्वारा जो भी समुदाय या कोई भी अगर सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है या उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो जनता तक आप डोर स्टेप पहुंचाएंगे या डोर स्टेप जिस तरह हम वोट मांगने जाते हैं, हमने बार बार यही वादा किया, जिस प्रकार हमारा वो कर्तव्य है कि मासिक कैंप लगवा कर घर टू घर जागरूकता कर जैसे वृद्धा पेंशन हो या किसी भी प्रकार की सहायता राशि हो जो सरकार द्वारा दिया जाता है, उस सहायता राशि को डोर टू डोर पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा, ना कि वहां बिचौलियों के माध्यम से। इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मुखिया प्रत्याशी विधा भूषण राय का एक नारा भी है लोकप्रिय, जो हम आपके बाद बता दे, आपको बता दे, नव संकल्प नव विकल्प। तो सर इसी के साथ हम आपको बोलते हैं कि आप फिर से एक बार जनता को अपना चुनाव चिन्ह, आप अपना नाम और ग्राम कौन से में आते हैं आप बता दें। हम विद्याभूषण राय इस बार सहसराम पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, हमारा क्रमांक संख्या है 7, हमारा छाप है ब्रश छाप, जो कि हर एक गरीब गुरबा शोषित वंचित मजदूर का चुनाव चिन्ह है, हर एक आदमी का चुनाव चिन्ह है, पूरे पंचायतवासी का चुनाव चिन्ह है, और चुनाव हम नहीं बल्कि पूरे पंचायत के लोग लड़ रहे हैं। चुनाव उस पंचायत के हर एक जन के विकास के लिए जरूरी है, जो अपने पक्ष में मतदान करे, सुयोग्य उम्मीदवार को देखकर मतदान करे और किसी भी प्रकार की लोभ लुभावना में ना पड़े, नहीं तो आपकी एक वोट और एक बार का जो है वो लोभ पूरे 5 साल आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो इसी के साथ हम आज इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैमरे के पीछे सज्जू खान और मैं फरहान खान, लाइव न्यूज में आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।